कंपाउंड एंगल के बारे में लिख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन और इसका जो डेरिवेशन है वह भी बात करते हैं। कंपाउंड एंगल का क्या मतलब है वो लिख लेते हैं। द एलजेब्रिक सम ऑफ, राइट डाउन, द एलजेब्रिक सम ऑफ, द एलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल, टू और मोर एंगल, द एलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। द एलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने देखा होगा, तुमने याद किया भी होगा, बेसिक्स, फिजिक्स की बेसिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, हम लोग ए प्लस बी प्लस सी वाला भी पढ़ेंगे, ए प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल। तो ये होते हैं कंपाउंड एंगल, जिसमें दो एंगल को ऐड कर देते हैं। एलजेब्रिक सम का मतलब इन दोनों को हम प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल। ओके बच्चों, अब आगे बात करते हैं जो इससे रिलेटेड है। हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर पर है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। हाँ बेटा बोलो सर। सर साइड का नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा सर? साइड की स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके सर। ओके ओके ओके, एक मिनट सर, ये अभी स्टार्ट हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी किया हुआ है। क्यों? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, इसलिए लेट हो गया तुम। हाँ सर, एक मिनट रुकना जरा, मैं देख लेता हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब क्लियर है? तो कंपाउंड एंगल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एलजेब्रिक सम ऑफ, सर इसके पहले कुछ लिखा है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। एलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होते हैं? अगर हम दो एंगल को प्लस कर दें माइनस कर दें, तीन एंगल का हम सीखेंगे कि साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस सी क्या होता है, इनको सबको हम डिराइव करेंगे आज, और फिर इनका यूज़ करेंगे किस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज़ होता है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आईआईटी जेई में सिलेक्शन की बैकबोन है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देते हैं तो फिर हमारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी उसमें करने में, ठीक है? तो अगर हमें जेई की प्रिपरेशन करनी है, उसमें सिलेक्शन कराना है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। सब में मिलेगी, कैलकुलस अभी हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें मिलेगी, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। और अब नंबर ऑफ फॉर्मूले डेली बढ़ते जाएंगे, तो हमें क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि डायरी बना लीजिए और उसमें जितने फॉर्मूले डेली बताए जा रहे हैं उनको नोट करिए और डेली सवेरे उठ के याद करें, जैसे लोग भगवान को याद करते हैं ना, वैसे ही आपके लिए अब यही है सब कुछ। तो अब आप जितना जल्दी और जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, और नहीं तो फिर सजा हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए वैसे तो मैं डेली का डेली पूछूंगा ही, फॉर्मूले जो भी आज होंगे उनको अगले टर्न पे मुझे पूछना है पहले, फिर आगे स्टार्ट करना है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी, और इसमें क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर थर्ड फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इसमें कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब प्लस होता है तो माइनस आ जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा,
और चौथा है कॉस ए माइनस बी, जिसका होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फर्स्ट फोर फॉर्मूले स्टार्टिंग यहीं से हम करेंगे, इन चारों को पहले अच्छे से हमको लर्न करना है। और ये शायद सभी ने पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे। इसका प्रूफ कितने लोगों को आता है जो मेरे साथ अभी ऐड है, सबने इसको पढ़ा हुआ है बेसिक्स की क्लास में, प्रूफ कितने लोग कर सकते हैं इसका, कोई बताएगा प्रूफ के बारे में? बच्चों बोलो। नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा, देखो जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये प्रूफ है, जैसे मैं एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसको प्रूफ नहीं बोलेंगे, ये क्या है, वेरिफिकेशन है, वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये करेक्ट है कि नहीं। तो हमने कोई एंगल लेट कर लिया, लेट एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया, और फिर अपने पहले वाले फॉर्मूले में जो है पुट कर दी वैल्यू। पहले एलएचएस देखा तो एलएचएस में आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया साइन 30 प्लस 60, और 30 प्लस 60 हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस में क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 साइन 30 ये भी 1/2, प्लस कॉस 60 साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए है, सॉरी यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस 30 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी होगी √3/2, तो ये बन गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4/4 यानी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, तो इसको हम प्रूफ नहीं बोलेंगे, ये क्या है, वेरीफिकेशन है, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये फार्मूला करेक्ट है। ओके बच्चों, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से, ये अगर हमसे कोई कह दे कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि ये कैसे आता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसका लिख लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे समझते हैं, यहां पर प्रूफ के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं और साथ में आप भी बनाते चलो। ये हमने एक वाई एक्सिस बना लिया, और ये बना लिया एक्स एक्सिस। अब यहां पर एक जो है वो हमारे पास है ग्रीन से, इसका नाम रख दिया ओरिजिन ओ। ये एक हमने ले लिया एक लाइन, और एक हमने ले लिया इससे, ये एंगल हमने लेट कर लिया कि ये एंगल जो है वो ए है, और ये एंगल हमने लेट कर लिया कि ये एंगल बी है। ओके बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे आगे। एंगल ए और बी हमने कंसीडर कर लिया, अब यहाँ पर हमने एक कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे, ये जो येलो लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एक लाइन पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, और यहाँ इसी पॉइंट से एक जो एक्स एक्सिस है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
और एक यहीं से इस पॉइंट से जो है सीधे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये, और ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री पे ही है। और एक काम और कर लेते हैं कि इस वाले पॉइंट से एक इस पे, इस लाइन पे जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है उस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। एक मिनट, ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस, ये टी, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है यू। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे पास आ गए। अब जरा बताओ कि ये एंगल तो ए है हमारे पास, तो अगर जब हमें साइन ए प्लस बी निकालना होगा तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, तो यही तो होगा ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी के लिए किस ट्रायंगल में हमको जाना पड़ेगा? ओ पी एस में, इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा अगर हमें ए प्लस बी चाहिए। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ओ पी एस। ओ पी एस ट्रायंगल में क्या होने वाला है? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? एस पी या पी एस, पी एस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा ओ एस। और एस पी को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो एस पी पूरा है या पी एस जो पूरा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? पी टी प्लस टी एस लिख सकते हैं, पी टी प्लस टी एस। तो हमने लिख लिया पी टी प्लस टी एस और अपॉन में ओ एस से डिवाइड कर दिया दोनों में, ये पी टी हो गया और प्लस टी एस हो गया। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो पी टी किसी ट्राइंगल का पार्ट नहीं आ रहा है, पी टी में ना साइन ए में आएगा, ना कॉस बी में आएगा, ना कॉस ए में आएगा, ना साइन बी में आएगा, लेकिन पी टी जो है वो आर क्यू की इक्वल है। यहाँ लिख लेंगे कि पी टी जो है आर क्यू की इक्वल है, बट पी टी इक्वल टू आर क्यू। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है? देखो, पी टी की जगह हमने रख दिया आर क्यू अपॉन ओ एस और प्लस टी एस और अपॉन में कितना आ गया? ओ एस। यहां तक बात हमको क्लियर हो गई कि ये वैल्यू साइन ए प्लस बी की बन गई। अब जरा इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या होगी? यहां पर इसको रोक देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके यहां पर रोक देते हैं। अब जरा देखते हैं इस ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू क्या आने वाली है। साइन ए किस ट्रायंगल में देख सकते हैं? अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू में ही क्यों ले रहे हैं? ये छोटे वाले में क्यों नहीं ले रहे हैं? ओ पी यू में, क्योंकि ऊपर कहीं ओ पी यू दिख ही नहीं रहा हमें, तो ये आर क्यू दिख रहा है। ये देखो आर क्यू दिख रहा है ना, तो हमने ओ आर क्यू में ले लिया। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आने वाली है? अगर हम साइन ए की वैल्यू ओ आर क्यू में लें तो क्या आएगी बच्चों? आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ओ आर आ जाएगा, आर क्यू अपॉन ओ आर, तो साइन ए आ गया ये। अब जरा कॉस बी देख लो, कॉस बी कितना आएगा? कॉस बी इस ट्रायंगल में आएगा, किस ट्रायंगल में? जिसमें एंगल बी दिख रहा, ओ एस आर, इन ट्रायंगल ओ एस आर। कॉस बी कितना आने वाला है? कॉस बी होता है बेस ओ आर अपॉन अपन ओ एस। ओ आर अपॉन ओ एस, बिल्कुल सही है जैनल। तो ओ आर अपॉन ओ एस ले लिया हमने, तो साइन ए कॉस बी हो गया। अब जरा कॉस ए के लिए देखते हैं। अच्छा, ये वाले एंगल की वैल्यू कौन बताएगा? ये एंगल कितना होगा? सोचो और बताओ कि इस एंगल की वैल्यू जो अभी मैंने डार्क किया, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये वाला एंगल जो है, ये जो अभी डार्क हो रहा है तुम्हारी स्क्रीन में, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 90 माइनस बी। 90 माइनस बी, ये पूरा एंगल होगा 90 माइनस बी, यहां से यहां तक ओ एस आर। हमने पूछा है आर एस टी, एंगल आर एस टी पूछा गया है। एंगल आर एस टी ये कितना होगा? नहीं आइडिया बच्चों? देखो मैं बताता हूँ कैसे।
ये वाला एंगल ए है, अगर इस ओ पी यू वाले में देखो, तो ये ओ पी यू में देखोगे तो ये एंगल ए है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा? क्या इसको बोल सकते हो कि ये 90 माइनस ए होगा? 90 माइनस ए, हाँ, और अगर ये 90 माइनस ए है तो ये भी कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, 90 माइनस ए ये भी हो गया, 90 माइनस ए। तो ये 90 माइनस ए हो गया ये वाला, और ये वाला खुद एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया जो ऊपर दिया हुआ है? ये एंगल, क्या इसको ए ए नहीं बोल ए सकते? हाँ, ए ए तो ये एंगल ए हो गया। तो देखो जरा, कॉस ए की वैल्यू इस वाले से निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है टी एस। हमने कैसे आइडिया लगाया कि इस एंगल ए से, नीचे वाले एंगल ए से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर दिया हुआ है टी एस, तो टी एस के लिए हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। टी एस तो इसी वाले ट्रायंगल में है, तो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस टी आर, जरा कॉस ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? कॉस ए बेस अपॉन एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, बेस हो गया टी एस अपॉन बाय एस आर, अपॉन एस आर आर। एस एस आर। और कॉस ए के बाद अब जरा साइन बी की बात कर लेते हैं, तो साइन बी कितना होगा? साइन बी, बी वाला तो केवल इकलौता ही ट्रायंगल है जो कि ये वाला ट्रायंगल है, इसी से देख लेते हैं, ये जो ये वाला था ओ एस आर, ओएस तो साइन बी क्या ओ हो एस आर जाएगा? अपन ओ एस आर अपॉन ओ एस। अब जरा देखो यहाँ पर, अब इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जरा साइन ए प्लस बी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट फिर कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और साइन ए प्लस बी की वैल्यू को हम जरा फिर अरेंज करना चाहते हैं। हमने लिखा है आर क्यू अपॉन, और ये जो ओ एस है इसको यहाँ दूर लिख दिया, और प्लस टी एस अपॉन जो ओ एस है उसको दूर लिख दिया, तो आर क्यू के अपॉन में क्या आ जाए कि साइन ए बन जाएगा? ये देखो, ये लिखा हुआ है आर क्यू के अपॉन में क्या आ जाए? ओ आर, आर क्यू के अपॉन में अगर ओ आर आ गया तो साइन ए बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ओ आर से डिवाइड किया, ओ आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? साइन ए बन गया, और ये क्या बन जाएगा? ओ आर अपॉन ओ एस, कॉस बी बन गया प्लस। अब जरा कॉस ए को देखो, कॉस ए टी एस के अपॉन में क्या चाहिए हमको? ये लिखा हुआ है कि टी एस के अपॉन में क्या चाहिए हमको? एसआर टी एस अपॉन एस आर, तो हमने एस आर से डिवाइड किया और एस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ए कॉस बी, और ये बन गया कॉस ए, और ये बन गया साइन बी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा फॉर्मूला ये डिराइव हो गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी फार्मूले से ही सारे फार्मूले फिर डिराइव हो जाएंगे। बस एक फार्मूला हमें डिराइव करना था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसी से सारे फार्मूले बनने वाले हैं, इसको हमें लर्न करना है अच्छे से, इम्पॉर्टेंट। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बताओ बच्चों, इसमें किसी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो बताइए मुझे, है कहीं पर कोई डाउट? जो भी, अगर मान लीजिए हमें अभी समझ में नमस्कार नहीं आता है तो हम अगले टर्न पे भी पूछ सकते हैं, करते जाएं बस, देख लें, नहीं आ रहा अगले टर्न पे जरूर याद दिला के पूछ लें, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जरा देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसी का माइनस है, तो अब देखो इसी जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है इसी से सारे डिराइव करने वाले हैं। ये सेकेंड फार्मूला अब हम डिराइव करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, बी इज रिप्लेस्ड बाई, किससे रिप्लेस कर दें बी को? माइनस बी से। अरे भाई, हमें माइनस साइन ए प्लस बी तो पता ही पता है, हम क्या करते हैं बी की जगह माइनस बी रख देते हैं, तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा। तो जरा देखो, यहाँ रखते हैं साइन ए और बी की जगह पे माइनस बी, और ये बन गया साइन ए कॉस बी की जगह पे माइनस बी प्लस कॉस ए और साइन ऑफ माइनस बी। अब हमें पक्का पता है कि सबको याद होगा ये फॉर्मूला कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। ये हमने पिछले के पिछले टर्न पे सीखा हुआ है क्वाड्रेंट रूल में, ASTC रूल में, एक को छोड़ के बाकी सब ने ये पढ़ा हुआ है, तन्वी ने नहीं पढ़ा अभी,
बाकी सबने पढ़ा हुआ है ये तो सबको आइडिया होगा, और अगर बेसिक्स में पढ़ा होगा तन्वी ने तो उसको भी आइडिया होगा। तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो ये साइन ए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस बी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस ए और ये साइन बी, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, सेकेंड भी डिराइव हो गया। चलो अब थर्ड कर लेते हैं, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी चाहिए, थर्ड में हमें चाहिए कॉस ए प्लस बी, तो अब जरा बताओ इसी फॉर्मूले में क्या हम रिप्लेस कर दें, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या रिप्लेस कर दें कि कॉस ए प्लस बी बने। साइन टू कॉस नहीं, साइन को कॉस से नहीं कर सकते, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, हम यहाँ पर ऐसे रिप्लेस करेंगे। देखो एंगल ए इज रिप्लेस्ड बाई 90 प्लस ए, एंगल ए को हमने 90 डिग्री प्लस ए से रिप्लेस कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 90 प्लस ए, तो साइन 90 प्लस ए कॉस बी प्लस कॉस 90 प्लस ए और साइन बी, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए कॉस बी, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन 90 प्लस ए होता है कॉस ए, और कॉस 90 प्लस ए क्या होता है बच्चों, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस नेगेटिव माइनस साइन ए, तो ये हो गया माइनस साइन ए और साइन बी, तो ये बन गया। और हाँ यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे, तो साइन ए की जगह 90 प्लस ए रख दिया, तो अब यहाँ पर भी इसको जरा थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये एंगल है और ये 90 है, साइन 90 प्लस थीटा ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू बन गया हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ पर कि समझ में आ रही है बात। तो ये बन गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। फिर फोर्थ वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी में क्या करेंगे, बी को किससे रिप्लेस कर दें, बी इज रिप्लेस्ड बाई माइनस बी, किस फॉर्मूले में, माइनस बी इसी फॉर्मूले में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, तो ए और बी की जगह पे माइनस बी, तो ये बन गया कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए और साइन ऑफ माइनस बी, तो ये बन गया कॉस ए कॉस माइनस थीटा, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं कि कॉस माइनस बी होता है कॉस बी, और साइन माइनस बी क्या होता है माइनस साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए और साइन बी, तो ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस में प्लस होता है और प्लस में क्या हो जाता है माइनस, तो कॉस ए माइनस बी का हमारा रिजल्ट ये बन गया। फोर फॉर्मूले हमारे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये चारों फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए। अब बात करते हैं टेन वाले की, तो अब साइन और कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन आ जाएगा, तो अब हमें टेन ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिख लेना है, और ये सारे फॉर्मूले कल मैं पूछूंगा, ये सबको लर्न करना है, ज़रूर याद रखें सारे, जितने ज़्यादा अच्छे से याद करेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, और नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अब चलो कौन बताएगा कि एंगल ए और बी क्या नहीं होने चाहिए, ये सब मैं बात कर चुका हूँ पहले भी,
एंगल ए जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? जीरो से क्या फर्क पड़ेगा? जीरो नहीं, टेन के केस में याद करो, अभी पिछले टर्न पे ग्राफ की बात की थी हम लोगों ने, डोमेन रेंज की भी बात की थी कि एंगल ए और बी टेन में क्या नहीं होना चाहिए। हाँ 45 नहीं होना चाहिए, नहीं 45 से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सर, फिर 1-1 जीरो हो जाएगा ना नीचे। अच्छा ए और बी दोनों 45 नहीं होने चाहिए, ये कह रहे हो? हाँ यस सर, यस सर। 1-10 है, 10 भी और ए और बी दोनों। हाँ तो हम कह सकते हैं कि ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सारे के सारे क्या नहीं होने चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ए प्लस बी दोनों का सम, अगर उसने जैसे बोला कि ए भी 45 हो जाए बी भी 45 हो जाए, तो इसी में आ गया ना, वो इसी में आ गया, ए प्लस बी 45 नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों अलग अलग अगर 45 हुए तो ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए और बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो गया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के लिए क्या हो जाता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अनडिफाइंड कर देगा। 10 है, 10 है, ये सारे के सारे अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे हम लोग। तो इसलिए 10 ए और 10 बी ये सारे के सारे हमारे ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए। 10 ए प्लस बी का ये फार्मूला हो जाएगा, 10 ए माइनस बी का जो है वो क्या हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं। 10 ए माइनस बी, बी को माइनस बी से रिप्लेस करने से बन जाएगा 10 ए माइनस बी इक्वल टू 10 ए माइनस 10 बी 1+10 ए इंटू 10 बी। और सेम यही चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वही यहाँ पर भी होने चाहिए कि ए बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो गया तो फिर प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़रा फाइव वाले को प्रूफ कर लेते हैं। वैसे तो ये ईजी है, खुद कर सकते हो, लेकिन अभी चूँकि हम सीख रहे हैं तो चलो अभी हम प्रूफ कर लेते हैं साथ में, करते चलो तुम लोग भी साथ में ही। हमने क्या लिया, LHS ले लिया, ये LHS हमारा ले लिया हमने। फॉर्मूला नंबर 5 हम प्रूफ करने जा रहे हैं और हमने ले लिया LHS 10 ए प्लस बी। अभी LHS से RHS और RHS से LHS भी लेके दोनों देखेंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों से ही आंसर हमारा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम करते भी हैं LHS से RHS या RHS से LHS। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ तक करने के बाद हमें सोचना है कि हमें लाना क्या है, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि जब घर से निकलते हैं तो हमें आइडिया होता है ना कि हमें कहाँ जाना है, ऐसा तो नहीं होता कि हम घर से निकल लिए और बस घूम रहे इधर से उधर, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, ना कोई उमंग ना कोई तरंग नहीं। डिवाइड बाय कॉस, हाँ किससे डिवाइड कर दिया जाए सर? कॉस से, कॉस कॉस ए कॉस ना कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी से डिवाइड कर दिया जाए। और कौन बताएगा किससे डिवाइड कर दिया जाए? बच्चों दिमाग लगाओ, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, जो 1 को मैं डार्क कर रहा हूँ उसको देखो, 10 ए प्लस बी के डिनोमिनेटर में 1 चाहिए हमको, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये आ रहा है और यहाँ हमको 1 चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दिया सर? कॉस ए कॉस बी से। हाँ बिल्कुल कॉस ए कॉस बी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, दोनों से डिवाइड कर दीजिए आप, तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। ये हो गया साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। वैसे ये सब लिखना नहीं चाहिए मुझे, सारे समझदार लोग बैठे हैं मेरे साथ, तो
तो ये तो इतना तो समझते ही होंगे, लेकिन चूंकि अभी हम आमने सामने नहीं है तो इसलिए लिख देता हूँ मैं, कॉस ए कॉस बी। तो देखो यहाँ से कॉस बी कट हो गया, यहाँ से कॉस ए कट हो गया, ये पूरा का पूरा कट हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं कट हुआ। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस, यहाँ पर आ गया टेन ए और इंटू टेन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला LHS से हम चले थे और RHS हमारा डिराइव होके आ गया टेन ए प्लस बी। प्रॉब्लम सिक्स वाला फिर इजी हो गया, सिक्स वाले में क्या करेंगे, बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी इज रिप्लेस्ड बाई माइनस बी इन फाइव। इन फाइव का मतलब फाइव वाले फॉर्मूले में बी की जगह पे माइनस बी रख देंगे, तो टेन ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है टेन ए प्लस टेन बी की जगह माइनस बी अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन बी, और बी की जगह पे माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा टेन, अब यहाँ फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ कि टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए और इंटू टेन बी। तो प्लस में माइनस आ गया और माइनस में प्लस आ गया, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया इसका भी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। फिर सिमिलरली इसी तरीके से उसका कॉट का भी लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ, फिर आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे क्योंकि फॉर्मूलों की लिस्ट अब लंबी होती जाएगी। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली का डेली आप याद करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा RHS जैसे मैंने अभी बोला मैंने किया नहीं यहाँ पे, हमने LHS से यहाँ से स्टार्ट किया और RHS लेके आए हैं, तो क्या RHS से LHS तुम ला सकते हो? RHS में क्या करोगे, यहीं पर 10 की जगह पे साइन अपॉन कॉस, 10B की जगह पे साइन बी अपॉन कॉस बी, और जैसे ही LCM लोगे तो यही वाला अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा, इधर से इधर चलने लगोगे ऐसे और फिर उल्टा होते हुए यहाँ पर टेन ए प्लस बी में आ जाओगे। तो ये बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, चाहे हम LHS से करें तो RHS आ जाएगा और RHS से करेंगे तो LHS आ जाएगा। कॉट का लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और सेवन के बाद एट नंबर में है कॉट ए माइनस बी, कॉट लिखा हुआ है ये कॉट ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, उल्टा हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। बस यहाँ क्या ध्यान क्या रखना है हमको कि यहाँ पर एंगल ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके मल्टीपल नहीं होने चाहिए, कौन बताएगा, ए प्लस बी, ए और बी किसके मल्टीपल नहीं होने चाहिए? सर टू एन प्लस वन पाई बाय टू, नहीं ये तो टेन के लिए था, टू एन प्लस मल्टीपल ऑड मल्टीपल एन पाई, हाँ क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन जीरो नहीं होना चाहिए, साइन जीरो तो एन पाई के लिए होता है, तो इसलिए हो जाएगा एन पाई। तो ये खास जो यहाँ साइड में लिखा होता है ना, यही हमारे लिए खास होता है, ये जो लिखा रहता है साइड में ये खास होता है जेई वालों के लिए, तो खास कर ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि हम ये तो याद कर लेते हैं इनको नहीं याद रखते हैं, और फिर यहाँ पर हम जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे सब गड़बड़ होने वाला है, तो ये हमारे लिए जो है खास है, इनको चाहो तो मैं ये इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ कि ए और बी जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, एन पाई नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर ए और बी क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पर ए और बी ये जो लिखा हुआ है ये हाइलाइटर से कर देता हूँ मैं, ये खास ध्यान रखना है, इनका फॉर्मूले तो याद रहने ही चाहिए, इनका खास ध्यान रखना है कि ए बी ए प्लस बी ये जो है वो क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए।
तो बिल्कुल वही है जैसा कि हमने ग्राफ में पढ़ा था पिछले टर्म पे, वही सेम है, कुछ नया नहीं है, वही सेम है। तो ये हो गया हमारा कॉस ए प्लस बी। अच्छा हाँ, इसको प्रूफ कर सकते हो 7th वाले को कि नहीं, कि हो जाएगा बच्चों? बोल दो कोई भी। सर हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए। तो चलिए फिर क्वेश्चंस में आते हैं सीधे इसके। हो जाएगा ना? इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हमें लर्न भी करने हैं और प्रूव भी करने हैं अभी। तो हेडिंग लिख लेते हैं, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये हमें अभी डिराइव भी करनी है और उसके बाद लर्न भी करनी है। यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये हम निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, इसको भी हमें लर्न करना है। कई सारी चीज़ें मैंने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें लर्न करने के लिए, तो इसलिए अपनी मेमोरी और अपना बादाम वादाम खाना चालू कर दो एकदम से, तबीयत से, और जो भी मेमोरी बढ़ाने वाला है ना वो भी खाना चालू कर दो, और बस फॉर्मूले जो है अच्छे से सबको तैयार करने हैं। sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री बताओ, निकाल के बताओ कौन बताएगा sin 15 की वैल्यू क्या होगी। sin 15 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, sin 15 बोलो या cos 75 बोलो, √3 − 1/2√2, ये फर्स्ट हो गया हमारा। इनको अभी डिराइव कर लेते हैं सभी को, एक साथ लिख देता हूँ पहले मैं, cos 15 sin 75, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में सेम √3 + 1/2√2। साइन हो गया, कॉस हो गया, तो अब 10 आ जाएगा। 10 15 डिग्री की वैल्यू, 10 15 = 2 − √3, और 10 15 है तो cot 75 हो जाएगा। सर इसको वैसे ही डिराइव करेंगे, sin 60 − 45, फिर वो हाँ आइडेंटिटी। बिल्कुल 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 वैसे ही करेंगे, सही कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, वैसे ही करेंगे। और cot 15 जो है वो 2 + √3 हो जाता है, और cot 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 75। और फिर 5th नंबर में आ जाएगा sec 15। sec 15 डिग्री की वैल्यू भी हमें लर्न करनी है, √6 − √2, और 15 हो जाएगा cosec 75, और 6th नंबर पे हो जाएगा cosec 15, जो कि इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √6 + √2, और जो कि हो जाएगा sec 75 डिग्री। अब देखो एक एक करके इनको सबको अभी हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सर, निकाल लेना, sec 15 cos 15 का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं ना? किसका? हाँ sec 15 हाँ cos 15 का बिल्कुल रेसिप्रोकल। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, और बस उसको क्या करना पड़ेगा हमको, रैशनलाइज करके पूरा सॉल्व करके जब हम देखेंगे तो यही आने वाला है। तो अगर हम साइन कॉस ही केवल लर्न कर लेते हैं तो बाकी सब तो बहुत इजी अपने आप आ जाएंगे। तो पहले हम साइन वाला करते हैं, sin 15, कई लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो sin 15 को cos 75 कैसे लिख देते हैं ये पता है ना सबको? अरे ये तो 10th में भी किया था, sin 15 को cos 75 यस कैसे लिखते सेवेंटी हैं। माइनस थीटा हाँ बिल्कुल सही है, तो इसको हमने 45 − 30 कर दिया। कोई ऐसे दो एंगल में 15 को ब्रेक करना है, कोई भी दो एंगल में जिनका प्लस या माइनस करें तो 15 आ जाए। जैसे हमारे पास जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता होते हैं वो होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, यही तो एंगल होते हैं। तो इन्हीं एंगल में कोई भी एंगल ले लो,
जरूरी नहीं कि हमने 40 और 30 लिया है, 30 और 45 लिया है, तुम 45 और 60 भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले लोगे तो भी हमारा आ जाएगा 45 और 60 के साथ, 45 और 60 के साथ, तो 45 और 60 के साथ साइन ए माइनस भी क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 साइन 60 √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो ये आ गया √3/√2 माइनस 1/√2, तो ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/√2, ये वैल्यू हमारी आ गई। नोट करो इसको जल्दी से, ओके तो साइन 15 हो गया और ये हो गया कॉस 75, भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन 15 को हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 75, इसी को साइन को, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 75, तो साइन 15 बोलो या कॉस 75 बोलो, हमारा ये डिराइव हो गया। सिमिलरली कॉस वाला कर लेंगे, ये सारे नंबर छोड़ दो इनको, यस सर, सारे हो जाएंगे सारे, यस सर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें डिराइव करने हैं, साइन 15 कॉस 15 साइन 75 कॉस 75, ये सारे करने हैं, यही हमारा होमवर्क हो जाएगा। इसमें इजी है, कर सकते हो, जैसे सेक 15 है, जैसे चलो मैं 10 का बता देता हूँ, ये जैसे 10 15 है, कॉस का तो इजी है, कॉस 10 भी इजी है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 10 15 लिखा हुआ है तो 10 15 को हमने लिख लिया 10 45 माइनस 30, अब 10 ए माइनस बी लगा दिया तो 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 45 और 10 30, तो 10 45 1 माइनस 10 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, तो ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और इसको फिर हमें रेशनलाइज कर देना है, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1 से, तो ये क्या बन जाने वाला है, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दो 3 प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और ऊपर कितना आ गया 4 माइनस 2√3 और अपॉन में 2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये 2 2 सा 4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2 माइनस √3, तो ये 10 15 की वैल्यू हमारी डिराइव होके आ गई 2 माइनस √3। अब कॉट 15 बहुत ईजी है, कॉट 15 में हम कॉट का फॉर्मूला लगाने नहीं बैठेंगे, हम लिखेंगे कॉट 15 इक्वल टू होता है 1/tan 15, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, तो देखो ये बन गया कॉट 15, 2 प्लस √3 आ गया, कॉट 15 की वैल्यू भी आ गई, तो ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से कि किस तरीके से हम सारे एंगल्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। और सेक जो है वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस को फिर रैशनलाइज कर देंगे तो सेक आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे ये मैंने दोनों निकाली है वैल्यू, 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 15 कॉट 75 और कॉट 15 को लिख सकते हैं 10 75। तो देखो एक बार जेई वालों ने क्या किया था, एक नाटक उनका मैं यहाँ तुमको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया था, एक इक्वेशन दे दी थी उन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें ये दे दी गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक है ये,
इसका एक रूट और दूसरा रूट क्या क्या होगा, एक तो हम फॉर्मूला लगाने बैठ जाएं और एक हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दें। देखो एक रूट ये ले लो और एक रूट ये ले लो, 10 15 और एक 10 75। जरा देखना इससे बनने वाला है क्या। 10 15 का मतलब हो गया 2 माइनस रूट 3, और इसका हो गया 2 प्लस रूट 3। ये 10 15, ये कितना है 10 15 डिग्री, और ये है 10 75 डिग्री। तो जरा देखो इनको अल्फा प्लस बीटा करोगे जब ये वाले और ये वाले को, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 4 आएगा, और यहाँ से भी जब तुम करोगे अल्फा प्लस बीटा तो देखो 4 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपॉन ए, तो यहाँ से देखो तो ये 1 आ रहा है, और यहाँ से भी करोगे तो 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 करोगे तो 1 आने वाला है। तो खास ध्यान रखें इसका भी कि अगर हमारे पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जब तुम जेई के प्रीवियस ईयर का करोगे, तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर हमें ये क्वाड्रेटिक दिखती है तो इसका एक रूट जो है वो 2 माइनस रूट 3 होगा जो कि 10 15 है, और एक रूट जो है उसका 2 प्लस रूट 3 होगा जो कि 10 75 है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर तुम्हें बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। सेक और कॉसेक का नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा ना, सेक 15 और कॉसेक 15 कर लिया, वेरी गुड। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर सबको बताना है। साइन ए की वैल्यू 5/13 है, कॉस बी की वैल्यू -3/5 है, फाइंड साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। साइन ए पता है और कॉस बी पता है, और हमको इसकी वैल्यू बतानी है। साइन ए माइनस बी की आया बच्चों, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। अरे भाई साइन ए माइनस बी चाहिए हमको, तो हमें साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये इनकी जरूरत पड़ेगी। साइन ए माइनस बी का यही फॉर्मूला होता है, अभी हमने ऊपर लिखा सर, 63/60।
63 बाई, एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ, 63 बाई 60। नहीं नहीं गड़बड़ है, कुछ चेक करो, रीचेक करो, कुछ गड़बड़ किया है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, और कोई बताएगा बच्चों? अरे भाई साइन ए से देखो, हमें देखो साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए, तो साइन ए तो पता ही है, इससे कॉस ए निकाल लो और कॉस बी से निकाल दो साइन बी, ट्रायंगल रूल कर लो। ये तो टेंथ में तुमने पढ़ा था कि साइन ए से कॉस ए कैसे निकलेगा और साइन बी से कॉस बी कैसे निकलेगा, ये तो टेंथ का क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला बस टेन ए माइनस बी का या साइन ए माइनस बी का नया है, बाकी काम तो सारा वही पुराना ही है। माइनस 63 बाई 65। ओके, और किसी बच्चे का आया बच्चों? माइनस 63 बाई 65 करेक्ट है, लेकिन यही नहीं आएगा, बाकी भी केसेस बनेंगे, उन्हीं के बारे में मुझे बात करनी है, क्योंकि टेंथ में हम क्या करते थे कि सारे पॉजिटिव एंगल ही ले लेते थे, निगेटिव से तो हमें मतलब ही नहीं होता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसके दो आंसर आएंगे, बल्कि इसके चार पेयर बनेंगे, लेकिन चार में दो जो है वो दो में ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखो हमने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, फाइव का हो गया 25 और ये हो गया 169, तो ये हो गया 144 अपॉन 169 कॉस स्क्वायर की वैल्यू 12/13, तो कॉस ए की वैल्यू हम लेंगे अंडर रूट में 144 बाई 169, तो इसको हम सिर्फ प्लस नहीं बोल सकते, ये प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इन्होंने क्वाड्रेंट नहीं दिया है, यहाँ पर क्वाड्रेंट तो कहीं लिखा नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में साइन है किस क्वाड्रेंट में कॉस है, तो साइन ए की वैल्यू अगर 5/13 है तो कॉस ए की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ठीक है। टेंथ में तो हम सीधे सीधे प्लस ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों केसेस ही पॉसिबल हैं, प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ कॉस बी से साइन बी करेंगे तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस बी की वैल्यू है 9/25, तो ये हो गया 16, तो कितनी आएगी साइन बी की वैल्यू, प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5 साइन ए की, प्लस माइनस 4/5 ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर अब हमारे पास कितने केसेस बनने वाले हैं, चार केस बनेंगे ना कि नहीं बनेंगे? यस सर। तो जो चार केस बनेंगे ना, एक क्या बनेगा जब दोनों प्लस प्लस के हो, एक बनेगा माइनस माइनस के हो, एक प्लस माइनस का हो और एक माइनस प्लस का हो, तो ये केस और ये केस दोनों सेम हो जाने वाले हैं, क्योंकि इनका जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस प्लस भी प्लस होगा और माइनस माइनस भी प्लस होने वाला है, और इसमें ये भी माइनस होने वाला है और ये भी माइनस होने वाला है, तो इसलिए केवल दो ही केस आएंगे, तो दो आंसर यहाँ पर पॉसिबल होंगे। अगर हम एक ही करते हैं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 5/13, कॉस बी की वैल्यू है -3/5, माइनस कॉस ए की वैल्यू है प्लस माइनस में 12/13,
और साइन बी की वैल्यू प्लस माइनस में 4/5, तो ये तो माइनस का 5 3 15। अब ये 5 5 कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एलसीएम तो हमें लेना ही पड़ेगा 65, और यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, 12 4 जा 48 अपॉन 65, वो भी प्लस माइनस में। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो जो इन्होंने आंसर बताया वो कितना है, 63/65। और दूसरा क्या आ जाएगा जरा चेक करो इसको भी, तो एक से माइनस कर दो ना, तो 8 - 5 3 हो जाएगा और 4 - 1 भी 3 हो जाएगा, तो 33/ कितना हो जाएगा, 65। तो ये दो आंसर हमारे पॉसिबल हो जाएंगे, एक प्लस प्लस वाला और एक माइनस माइनस, तो दो आंसर हमारे इस क्वेश्चन को। तो अब हमें ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने प्लस माइनस कोई क्वाड्रेंट नहीं भी दिया है तो हमें सारे आंसर लेके चलने पड़ेंगे, सारी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। ओके बच्चों, ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, पहले कभी पूछा गया है। इसमें क्या है देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा, और यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं साइड में ए बी सी, और साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन यहाँ पर लिखा है कॉस ए कॉस बी, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये सिग्मा और पाई के बारे में आइडिया है, किसी ने पढ़ा है सिग्मा और पाई का मतलब क्या होता है? नहीं बताओ बच्चों, सिग्मा के बारे में आइडिया है, सिग्मा और पाई के बारे में? सर सिग्मा इज इक्वल टू प्लस सम, और पाई सर समेशन, और पाई का मतलब सर पाई कहाँ पर? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सिग्मा एंड पाई दो दो साइन होते हैं ना, एक सिग्मा का होता है एक ऐसे पाई का भी साइन होता है, तो इसका दोनों का क्या मतलब है? सर पाई तो इरेशनल नंबर। नहीं नहीं मैं बता देता हूँ, सुनो, वो पाई अलग चीज है, सिग्मा एंड पाई नोटेशन यहाँ लिख लेते हैं, सिग्मा एंड पाई नोटेशन। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा जो है वो बहुत बड़े नंबर को जब हम प्लस करके लिखते हैं ना, जैसे ये लिखा है, अगर हमारे पास तीन नंबर एक्स वाई और जेड हैं, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है और जेड, तीन नंबर की बात हो रही है एक्स वाई जेड, तो हम अगर सिग्मा एक्स लिख रहे हैं और यहाँ नीचे लिखा है एक्स वाई जेड, ये नोटेशन का तरीका होता है, तो इसका मतलब हमें तीनों को प्लस करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर यहाँ पर एक ही लिख दिया और सिग्मा लगा दिया, मतलब तीनों को प्लस करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर यहाँ पर लिखा है सिग्मा एक्स वाई जेड नीचे लिखा है और यहाँ ऊपर लिखा है एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई एक एक पेयर में प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आ रही बात समझ में? फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड करके लिखा है, एक्स इंटू वाई माइनस जेड लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहला तो एक्स इंटू वाई माइनस जेड हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, साइक्लिक ऑर्डर कि पहले एक्स आया उसके बाद वाई आया फिर उसके बाद जेड आया। तो ये तो सिग्मा नोटेशन हो गया, जैसे मान लो इस तरीके से दिया है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और यहाँ आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू पहले हमको यहाँ 1 पुट करनी है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से लेकर जो ये ऊपर लिखा है इसका मतलब वहां तक जाना है, तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक जाना है, तो 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 2 आ गया, 3 रखा तो 3 आ गया, इस तरीके से हमने n रख दिया तो n तक जाएगा। और ये तो तुमने पढ़ा ही था मैथमेटिकल इंडक्शन में कि नेचुरल नंबर का सम होता है, याद है, 1 n into n plus 1 upon 2। और अगर मान लो हमें ये नहीं भी पता है तो हमें तो नोटेशन सीख रहे हैं कि इसको हम लिख क्या सकते हैं। अब चलो बताओ इसको क्या लिखवाओगे, आर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर टिल एन स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू डैश डैश एन स्क्वायर, बिल्कुल सही है इनकी बात। अब जैसे मान लो ये तो हो गया सिग्मा नोटेशन, तो
तो सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा मीनिंग है समेशन, समेशन मतलब ऐड करना है। और जो पाई है, पाई नोटेशन का मतलब है, पाई का मतलब है प्रोडक्ट करना है। मैथ्स में कई सारे क्वेश्चन इस तरह के नोटेशन में तुमको मिलेंगे, तो ये दोनों नोटेशन का आइडिया तुम्हें होना चाहिए, सिग्मा का भी और पाई का भी। जैसे मान लो ऐसे लिखा है इन्होंने पाई और आर इक्वल टू 1 to n, और यहाँ लिखा है आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4, कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, n, तो 1, 2, 3 से लेके n तक। तो ये होता है पाई नोटेशन। सिग्मा नोटेशन का मतलब प्लस करना है। हाँ बोलो बेटा। सर इसको n फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल बोल देते हैं। वो खैर अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया तो अच्छा है, इसको n फैक्टोरियल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पाई नोटेशन का मतलब समझ में आ गया सभी को कि पाई नोटेशन का मतलब क्या है। जैसे ऐसे लिखा है पाई लिखा है और एक्स वाई जेड लिखा है और यहाँ पर एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ये कॉमा कॉमा का मतलब इन्हीं तीनों में बात चल रही है। अब जैसे बताओ जरा ये जो ऊपर लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, ये जो लिखा हुआ है साइन सिग्मा साइन ए माइनस बी और ए बी सी तीनों में चलना है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक बार फिर से इसको लिख देते हैं क्वेश्चन बना के। सिग्मा लिखा हुआ है और यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है साइन ए माइनस बी, एक मिनट, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए और कॉस बी। तो इसको ऑर्डर में बताओ क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। पहले लिखेंगे साइन ए माइनस बी, फिर नीचे कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, फिर साइन ए माइनस बी के बाद साइन बी माइनस बी माइनस बी माइनस सी, तो ये आ जाएगा कॉस बी कॉस सी, कॉस बी, और फिर तीसरा साइन सी माइनस ए, कॉस सी और कॉस ए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी का, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी। सिमिलरली साइन बी माइनस सी का हो गया साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और साथ में यहाँ आ गया कॉस बी कॉस सी, और यहाँ भी आ गया कॉस बी और कॉस सी, और साइन सी कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन सी, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस सी कॉस ए, और यहाँ पर भी कॉस सी कॉस ए। क्या क्या कट हो जाएगा, देखो ये कट हुआ, यहाँ पर कॉस ए कट हुआ, कॉस सी कट हुआ, कॉस बी कट हुआ, कॉस ए कट हुआ, और यहाँ पर क्या कट हुआ कॉस ए। साइन अपॉन कॉस टेन ए आ गया, टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन सी। सर सर गलत है शायद, उधर कहाँ पर सर, उधर ऊपर ऊपर साइन सी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए होना चाहिए। साइन ओके सर, एक मिनट सर, राइट कॉर्नर। हाँ समझ गया, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन है, ये कह रहे हो ना, कॉस सी और साइन ए, बिल्कुल सही है इनकी बात, तो कॉस सी साइन ए आ जाएगा और नीचे कॉस सी कॉस ए है, तो फिर कॉस ए और कॉस ए कट हो जाएगा, ये कॉस ए बचा रह जाएगा। एक मिनट इसको सही कर देता हूँ मैं थोड़ा सही से, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बच जाएगा, एक मिनट, नहीं तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। साइन सी कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए है, तो कॉस सी और साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा,
कॉस सी और कॉस ए, तो कॉस सी और कॉस सी कट हो गया, तो देखो टेन ए से टेन बी गया, टेन बी से टेन सी, टेन बी से टेन बी गया, टेन सी से टेन सी गया, और ये पहला वाला जो है ये लास्ट वाले को अपने साथ ले गया, तो अपना आंसर क्या आ गया? जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हमारा मेन मोटो यही है कि हम फॉर्मूले लर्न करें अच्छे से। अगर हम फॉर्मूले याद करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं आने वाली है। तो ये हमारे फॉर्मूले थे कुछ, ऊपर हमने जो लिखे हुए थे ये सारे फॉर्मूले, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। कुछ फॉर्मूले और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले तुम्हें डिराइव करने और लर्न भी करने। हमने यहाँ तक एट नंबर तक लिखा था, एट कॉट ए माइनस बी तक, तो ये नाइन नंबर से और लिख लेते हैं कुछ फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर नाइन, और ये भी अगले टर्न पे याद करने और डिराइव भी करने हैं। 10 45 डिग्री प्लस थीटा, ये तो खैर इजी है, जो हमने पीछे पढ़ा था वही है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। साफ साफ समझ में आ रहा होगा वैसे कि ये क्या है, कैसे करेंगे इसको। बस 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे। 10a माइनस b हमको पता ही है क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो वही लगा दिया इन्होंने, तो ये बन गया 10 45 प्लस थीटा और 10 45 माइनस थीटा। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 11 नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा कि 10 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू 10 45 डिग्री माइनस थीटा, ये जो है 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट हो जाएगा। ऐसे ही 11 के बाद 12 नंबर में कॉट का भी लिख लेते हैं। कॉट 45 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। ये क्वेश्चन है, इनको कर लेना डिराइव, और नहीं आया तो मुझे बताना, और याद भी कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ भी कहीं हमें 10 45 माइनस थीटा दिखेगा या प्लस थीटा दिखेगा, हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 नंबर का हो जाएगा। अब जैसे 9 नंबर वाला है, अगर हम उसको प्रूफ करना चाहें तो हम प्रूफ कर सकते हैं 9 वाले को। सर 12 में कॉट 45 प्लस थीटा है, कॉट 45 माइनस है। अच्छा, नीचे वाले में प्लस है, ये नीचे वाले में प्लस है 13 में। इसमें उल्टा होता है ना, जहाँ माइनस होता है वहाँ ऊपर प्लस होता है, और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस होता है। अब जरा देखो, ओके सर, पहला वाला जैसे यहाँ गिवन है 10 45 डिग्री प्लस थीटा, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे? यहाँ पर हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है 10a प्लस b का। 10a प्लस b इक्वल टू क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और इंटू में 10b, और a की जगह पे यहाँ 45 है और b की जगह पे थीटा है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 10 45 डिग्री प्लस थीटा। क्या बन जाएगा? 10 45 डिग्री प्लस थीटा 10a प्लस 10b, तो 10a यानी कि 10 45 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 थीटा। तो 10 45 क्या होता है? 1, और प्लस कितना हो गया? 10 थीटा। नीचे कितना हो गया? 1 माइनस 1 और इंटू में 10 थीटा है, तो 1 इंटू 10 थीटा क्या हो जाएगा? 10 थीटा। तो ये बन गया 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। तो ये चार लाइनें ना करनी पड़े इसलिए हम इसको लर्न कर लेते हैं, और वैसे भी डायरेक्ट अगर हम सोच के भी करेंगे तो भी हो जाएगा कि 10a प्लस b क्या होता है? 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा, और 10a माइनस b क्या होता है? 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे देता हूँ जरा इसका। यस सर। एक क्वेश्चन, ये होमवर्क लिख लो, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, जरा इसको देखना। 10a की वैल्यू गिवन है,
10 a की वैल्यू है 2015 अपॉन 2016